हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जी बनाएंगे हम चना दाल। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़े की बनेगी ये, इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और क्या पता कि आप लोग का तरीका भी ऐसा ही हो। चलें जी, प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल रख लिया है और उसमें तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, जिसको हम बे लीफ भी बोलते हैं, और साथ में एक अदद सिनेमन स्टिक जाएगी। मेरे पास छोटी थी तो मैंने दो ऐड कर दी थी। इनको अच्छे से आपने ऑयल में गरम कर लेना है। और यहाँ मैं प्याज कट कर रही थी, आधे मैंने कट कर लिए थे और मैंने सोचा कि ऑयल चढ़ा दूँ, तब तक गरम होगा जब तक ये प्याज भी कट जाएगी। इसको मैंने स्लाइस कर दिया है और बिल्कुल पतले बारीक से स्लाइसेस किए हुए हैं मैंने। ठीक है जी, अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि हम इसको दाल को विजिल लगाएंगे ना, चना दाल है, थोड़ा गलने में टाइम लेगी। ओके, अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने उसमें प्याज ऐड कर दी है, और प्याज को हम अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन पकाएंगे। फुल ब्राउन नहीं करना, लेकिन गोल्डन साइज़ को हम करेंगे क्योंकि मुझे कच्चा कच्चा प्याज पसंद नहीं है। बिकॉज़ चाहे इस तरह से आप ऐड कर लेना, लेकिन जब पूरी सब्ज़ी तैयार हो जाती है, कुछ भी आप तैयार करें तो बाद में पानी निकल रहा होता है सब्ज़ी से, तो वो इसी वजह से होता है कि आपने प्याज का पानी सुखाया ही नहीं होता। ठीक है जी, तो प्याज को तब तक पकाया करें जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए प्याज से। ओके, और यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको भी मैं पील करके कट कर लूँगी जब तक जो है प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो रही है। पील मैंने किया है क्योंकि दाल में अगर इसके छिलके वगैरह ज़ाहिर होना तो वो अच्छे नहीं लगते। बिरयानी वगैरह में तो अलग बात है, उसमें तो साबुत टमाटर भी चल जाता है जी। तो जब तक मैं टमाटो कट करूं, तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जी हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके जी, जल्दी जल्दी से मैंने इनको काट लिया है। और जी, यहाँ पर देखें प्याज गोल्डन ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है प्याज का, और अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे हम। साथ में थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ, मैं पहले भूल गई थी, तो हाफ टी स्पून जो है ना, या फिर 1 टीस्पून आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा और उसको भी पका लीजिएगा प्याज के साथ। ठीक है जी, प्याज को जब तक कलर आता है तब तक हम क्या करेंगे, भिंडी फ्राई करनी है मैंने इसके साथ। तो मैंने भिंडी को धो लिया था एंड देन इसको मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर अब देखें प्याज जो है अच्छा सा गोल्डन हो गया है, जैसा मुझे चाहिए था। अब यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसको 1 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करके मुझे फीडबैक दें ना दें, क्योंकि देते तो नहीं हैं आप ना कमेंट करते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और साथ में मैं टमाटो भी ऐड कर रही हूँ। अब क्या करूँगी, इसको मैं ढककर पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। पानी वानी ऐड नहीं करना क्योंकि टमेटो का पानी खुद ही छूड़ेगा और जो है ना ये अच्छे से सॉफ्टन हो जाएंगे। ओके, तो ये आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने इसको देखा तो ये इस तरह से हो गया था मसाला। अब मैं सिंपली इसमें पानी ऐड करूँगी, जितना आपने दाल के लिए डालना है, दाल को गलाने के लिए। ओके, और साथ में मैंने जो दाल भिगो के और धो के रखी है उसको हम ऐड करेंगे। एंड देन इसको मैंने आई गेस 4 विजल लगवा ली थी, तो ये अच्छे से गल चुकी थी दाल। और साथ में हाँ सॉरी, हल्दी भी ऐड कर दीजिएगा, और कुछ अभी आपने ऐड नहीं करना, और साथ में इसको ढक्कन लगा देना है।
जब तक इसको विजिल लगती है तब तक मैं यहाँ पर भिंडी फ्राई कर रही थी। मुझे भिंडी बहुत पसंद है और आजकल बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। जी तो यहाँ पर देखें, दाल को मैंने विजिल लगवा ली थी और ये उसके बाद वाला सीन है। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर लेना है। और ये मसाले आप देख लें, ज़ीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है और बस यही बेसिक से कुछ मसाले थे जो मैंने आपको बताए, वही थे। ज़्यादा कुछ नहीं जाता इसमें, एंड में मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी, हरी मिर्चें जाएंगी। अच्छा, अभी आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना है अच्छे से, और दाल को भूनते हुए कभी भी उसको जो है ना, मतलब ड्राई नहीं होने दें। जिस दाल को आपने खड़ा खड़ा रखना है उसको ड्राई मत होने दें। जैसे ही थोड़ा भूने, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया करें। उससे क्या होगा कि दाल टूटेगी नहीं और उसका लुक भी बरकरार रहेगा, एंड में ऑयल भी सेपरेट होगा, जिसको हम तरी बोलते हैं। और जी यहाँ पर हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी और साथ में मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया था और फिर से इसको थोड़ा बहुत भूना था। देखें बस इतना ही भूनना है, ज़रूरी नहीं है कि भूनते वक्त इसमें ऑयल सेपरेट हो देन आपने छोड़ना है, नो। उससे क्या होगा कि दाल का जो है ना टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि बहुत अच्छे से गल चुकी है। ओके जी, बस अब इसमें पानी डालना है और आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जितनी आपने पतली या गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। अभी इसको एक विजिल और लगेगी क्योंकि पानी कच्चा कच्चा होता है ना, तो इसको भी पकाया जाता है। और यहाँ पर भिंडी भी हमारी फ्राई हो चुकी थी और ये रही जी दाल की फाइनल लुक। आप चाहें तो नान और चपाती के साथ सर्व करें, चाहें तो घर की रोटियाँ बना लें, बहुत मज़े से इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।